हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज संडे है और अभी इधर शाम के 4 बजे हैं और देख रहे हैं इधर लंदन में अभी भी बारिश हो रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ का वेदर प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और मैं जो अभी बाहर निकला हूँ, एक्चुअली पूरा दिन आज संडे है तो संडे जैसा ही बीता, क्योंकि बहुत सारा काम था। तो आज पूरा दिन काम करने में ही निकल गया, साफ सफाई किए, खाना वाना बनाए। और अभी जो बाहर निकला हूँ वो भी काम से ही निकला हूँ, क्योंकि मेरा जो अपार्टमेंट है जिसमें मैं रहता हूँ, जो हाउस है, मेरे स्टूडियो में वॉशिंग मशीन नहीं है। तो यहाँ पे एक फैसिलिटीज होता है कि यहाँ पे आपको बाहर में मिल जाता है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे कम्युनिटी लॉन्ड्री होता है, तो जहाँ पे आप जाके आप लॉन्ड्री कर सकते हैं, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी होता है और ड्रायर भी होता है, तो आप कपड़े धुल जाएंगे और कपड़े सूख भी जाएंगे, तो ज़्यादा झमेला होता नहीं है। और वहाँ 5 पाउंड लेता है, और उसके बाद ड्रायर में 1-2 पाउंड लेता है, अभी जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। और अगर अगल बगल उधर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो वो भी आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये मेरा एरिया है, जो तो थोड़ा सा वॉक है, वॉक करके जाएंगे उधर। तो ये मेन रोड है जिधर मैं रहता हूँ, तो ज़रूरत के सारी चीज़ें इधर मिल जाती है लगभग। ये सेंसवेरी लोकल है, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में, सुपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे ये बस स्टॉप है वेस्ट ग्रीन, मेरा बस स्टॉप थोड़ा सा आगे है। और ये पूरा कम्युनिटी है, तो बहुत अच्छा एरिया है ये। आप देख रहे हैं ये घर काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये सब। तो आप देख सकते हैं ये है लॉन्ड्री, एक्स्ट्रा लार्ज वॉशिंग मशीन, 7 पाउंड 10 पाउंड। इज दिस अवेलेबल लॉन्ड्री? इंडिया, इन इंडिया, बिहार, या इट्स अ स्टेट। ओके, या सो आई एम फ्रॉम बिहार इन इंडिया। फ्रॉम बिहार? Yes. I see this man from Bihar. So who is your? Is it Yogi or Kejriwal? No, it's Nitish Kumar in. Where are you from? Pakistan. Okay, which place? I'm from north of Pakistan, near Afghanistan. I have my friend here staying like nearby to me. Yeah. So he's my colleague. All so right. We work together. Oh, okay. He's from Islamabad. Oh, okay. Yeah. So this is the automatic machine, right? Yeah, yeah. It will take 35 minutes. Yeah. 35 minutes this. Yeah. And then about 20 minutes there. 20 minutes there. Okay. So this also I need to. You that only just take 50 pence. So once you wash, you need to get 50 pence. Yeah. I will give you change and then you need to dry them. Okay. Okay. Yeah. So I'll come back in 1 hour. Yeah. No problem. Okay. I'll close at 6 o'clock. Make sure, yeah. Yeah, yeah. This one I'll keep here. So. Yeah, yeah, no problem. Okay. So 6 o'clock I close. So make sure you come before. Okay. Thank you. ये extra large है, यहाँ पे 10 pound लगेगा total. और ये थोड़ा medium size है, 7 pound का. और मैं जो use कर रहा था वो था 4.5 pound का, 4.5 4.
काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड है, और टाइमिंग इसका है 1 घंटे से बरसात शुरू हो गया। इधर अभी 4:30 भी नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा। ये है नाम, लॉन्ड्रिएट, सही है। तो मैं पहली बार ही आया हूँ इधर, क्योंकि अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा था। बीच में एक दो बार फ्रेंड के पास गया था तो वहीं पे लॉन्ड्री कर लिया था। डन राइट, ये मेरे घर वाले को दिखाएंगे, वो लोग देख के कहेंगे सही है। सिस्टम नहीं है ना? नहीं है, कहाँ, इंडिया पाकिस्तान में है, नहीं है ना। हमारे तो उधर सब घरों में धोता है। वही ना, सब घर में धोते हैं, घर में सुखाते हैं। जाते हैं तो धोबी घाट है, वो तो ऐसे मार मार लो। हाँ, और मेन तो ये है कि इधर हमेशा बारिश होते रहता है। ओ यस, तो ये एक रीजन है ये होने का। अब बरसात में आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इसीलिए इधर ज़्यादा यूज करते हैं। ये शॉप यहाँ पे 35 ईयर्स ओल्ड है। 35 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है 35 ईयर्स। तो इसमें और भी क्या क्या होता है भैया? इसमें ड्राई क्लीनिंग होता है। अच्छा, और ड्राई क्लीनिंग जैसे आप देगा तो ऐसे उसको हम बेचते हैं कहीं फैक्ट्री में, वो बन के आता है उधर से। अच्छा ठीक है, फिर इसमें अगर आपका कोई शॉट करना है, अच्छा वो सब, वो अल्ट्रेशन भी होता है। सही है फिर तो, मेरा अगर कुछ ज़रूरत होगा तो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, बगल में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं रहते हैं यहाँ से, 200-300 मीटर है। यस सर, मेरे भाई का शॉप है, मैं तो एक दिन उसको हेल्प के लिए आया, वो कहीं बिजी था, काम पे गया है। अच्छा अच्छा, तो मैं उसको ज़रा हेल्प कर रहा था, मैं खुद तो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो आप किधर चलाते हैं टैक्सी? सब लंदन में भैया, अभी मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था तो रिन्यू के लिए दिया है। अच्छा, ऊबर के साथ ना। तो हम तो सब लंदन में भैया, हम तो बहुत पुराना हो गया मेरे को यहाँ। कब से हैं आप यहाँ पे? 30 ईयर्स भैया, वो जो टीनेजर में ना। 30 ईयर्स, टू लॉन्ग। अभी तो बच्चा बड़ा हो गया हमारा, तो बच्चा तो इधर ही होंगे ना। हाँ, इधर ही है। सही है, फैमिली के साथ सेटल हैं फिर तो। आप ब्रिटिश हो गए हैं अब तो? हाँ, वो तो उस वक्त हो गए थे, मतलब ईजी था भैया। 6 मंथ्स में मेरा इंडेफिनिट वीज़ा आया था, विद इन 1 ईयर नेशनल हो गया था। विदिन तो, अभी तो, अभी तो मैं, अगर हमको इधर होना है तो 5 साल पहले इधर रहना पड़ेगा, और कंपनी पे डिपेंड करता है वो वीज़ा देती है नहीं देती है तो। लेकिन भैया यहाँ पे बहुत रास्ते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे अपने वकील हैं, सोलिसिटर्स हैं, उनके पास 20 रास्ते होते हैं आपके। अच्छा, वो साइड वे भी होता है। अगर आपने इंडिया देखना है हाँ, तो आप साउथ हॉल जाओ। अच्छा, साउथ हॉल कभी गए हो? नहीं नहीं, अभी तो आए हैं, अभी तो घूम रहे हैं थोड़ा। साउथ हॉल में जाओगे वहाँ पर भैया, इट्स आपको एक सिंगल भी और कोई नहीं नजर आएगा। या वहाँ पे इंडियन है, हाँ, सिख है ज्यादातर, सरदार बहुत है। अच्छा, सरदार और इंडियन, पाकिस्तानी थोड़े इतने नहीं। हाँ हाँ, लेकिन तो पाकिस्तानी किधर रहते हैं ज्यादा? पाकिस्तानी ज्यादातर ईस्ट लंदन, ग्रीन स्ट्रीट। अच्छा, ग्रीन स्ट्रीट, इल्फर्ड, ये साइड है। हाँ हाँ हाँ, हम गए थे उधर, बड़ा बड़ा मॉस्क भी है मेरा एक्चुअली, हम उधर घूमे हैं थोड़ा बहुत। अगर आप जाएगा यहाँ का जो सबसे बड़ा टेंपल है आप हिंदुओं का, वो नीजडन में है। अच्छा, वो नीजडन में है, आइकिया के पास, क्योंकि ज्यादातर जो गुजराती कम्युनिटी है ना। हाँ हाँ, वो रहती है किंग्सबरी, इन इलाकों में, किंग्सबरी। हाँ, किंग्सबरी, क्वींसबरी, ये सब गुजराती है। अच्छा, तो वहाँ पर। और पंजाबी किधर? साउथ हॉल, सब साउथ हॉल में। सही है। फिर अगर आप मेन स्ट्रीम इंडियन देखना चाहते हो, बॉम्बे से, दिल्ली से जो स्टूडेंट है, जो वो वेम्बली भैया, वेम्बली 100% वेम्बली, सब इंडियन। वेम्बली स्टेडियम है ना? हाँ हाँ हाँ, उसके अराउंड वो 95% सब इंडियन। हाँ, आप तो टैक्सी चलाते हो पूरा लंदन? हाँ, सिर्फ लंदन में चलाते हैं या और भी कोई सिटी में? भैया डिपेंड आता है, सवारी तो हर जगह जाते हैं। अच्छा, सही है फिर तो, आप पूरा यूके घूम लिए होंगे। ओ यस भैया, तो हमें याद हो गया। अच्छा, इधर स्नो होता है कि नहीं? नहीं, लंदन में नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं होता है। अच्छा,
तो स्नो होता है कंट्री साइड, ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर उधर बहुत स्नो होता है, मेरा फैमिली उधर रहता है। अच्छा, कजन्स वगैरह वो बहुत स्नो। और ये एप्पल ट्रीज वगैरह किधर होते हैं? एक्चुअली ये मेरा वाइफ का क्वेश्चन है, बोलती है तुम जाओ एप्पल एप्पल पिकिंग करो कहीं से। एप्पल यहाँ पे जो फार्म जो फार्मिंग है ना वो हाँ, लंदन से बाहर है, लंदन अच्छा, में नहीं है, लंदन में कुछ भी नहीं है, वेल्स की तरफ है। हाँ हाँ, वेल्स की तरफ है ये। यो अगर आपको ये जैसे है ना आप जाओगे बर्मिंगम हाँ, मैनचेस्टर हाँ, तो पूरा पूरा शहरी एशियन है, पाकिस्तानी इंडियंस मिक्स है। अच्छा, और फार्म सब आउटसाइड है लंदन में। सही है, अभी तो टाइम है, घूमेंगे। हाँ, अभी तो भाई अभी तो आए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ये किन जगहों में आपको अपना सारा कुछ मिल जाता है? हाँ, ये चीज एक चीज है, इधर सब कुछ मिल जाता है। साले से साले हम दुबई में थे, 5-6 साल से दुबई में थे। दुबई में भी तो मिलता है ना? हाँ, दुबई तो इंडिया पाकिस्तान है, इसी की तरह है वो भी। तो हम दुबई में 6 साल थे, फिर उधर से अभी इधर आए हैं। हाँ, इधर बेटर है। हाँ, इधर लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर है, काम करने का मतलब ये नहीं है ज़्यादा। नहीं, दुबई में ज़्यादा सैलरी है। अच्छा, दुबई में ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं लगता है ना, यहाँ आपका 40% टैक्स लग जाता है। तो आप चलो, अभी आप नए आए हो जब थोड़े। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि उधर बरसात शुरू हो गया था और टाइम भी हो गया था, 6 बज गया, तो जल्दी जल्दी मैं फिनिशिंग का जो कपड़े सूख गए थे तो वो सारा वीडियो नहीं ले पाया। बट जो भी फंक्शनैलिटी था लॉन्ड्री का वो सब आप देख ही चुके हैं। वो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और वीडियो में अगर किसी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ नया है। और वीकडे को काम होता है ऑफिस का, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और एडिटिंग का भी मैं अभी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो अभी एडिटिंग भी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे से वीडियो एडिटिंग, साउंड क्वालिटी जो भी हो वो सारा इम्प्रूव होते जाएगा। उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। प्लस फिर से वही चीज़, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, बाय एवरीवन।